गोवा के बीच से एक बिग न्यूज़ है, तो मुझे इस बीच पे आना ही पड़ा। तो अभी चल रहा है सितंबर मंथ, और सितंबर मंथ में लास्ट वीक चल रहा है। मैं अभी इस वक्त हूँ कलंगुट बीच पे, और कलंगुट बीच पे एक ख़ास चीज़ हो रही है जो कि टूरिस्ट के लिए एक खुशखबरी है। तो अगर आप आगे अक्टूबर मंथ में अपना ट्रिप प्लान किया है तो आपके लिए ये एक बिग न्यूज़ है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम तेजश्री है। मैं इस चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ। तो अगर आपको गोवा के वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि ये वीडियो और गोवा लवर्स को रिकमेंड हो सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कलंगुट बीच मार्केट एरिया से। तो ये कलंगुट बीच का सबसे पास का मार्केट है। इसके आगे भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी पूरा मार्केट प्लेस है, और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आपको दिख जाएंगी शॉपिंग के लिए, ईटिंग के लिए बहुत सारे। यू कैन सी देयर्स टू मच ऑफ crowd here, and there is this boy who's very talented. आप इनका पेज फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो ये दूर से ऐसे खड़े हैं जैसे लग रहा है कि एकदम मूर्ति है, बट दिस इज अ रियल पर्सन। तो ये बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं। आप कितने देर से यहाँ पे खड़े हो? कितना? वन एंड हाफ आवर हो गया आपको? इतनी गर्मी में और जिस तरह का मेकअप किया हुआ है इन्होंने, आप दूर से देखेंगे तो एकदम लगेगा कि ये कोई मूर्ति है। सो यू कैन फॉलो हिम ऑन हिज यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम एज वेल। सो ही इज़ ऑल्सो ऑन फेसबुक। थैंक यू। अभी हम बीच पे चलते हैं। बीच पे क्राउड तो बहुत ज़्यादा है अभी इस वक्त। अभी सितंबर एंड चल रहा है, लास्ट वीक ऑफ सितंबर है, एंड यू कैन सी द क्राउड फ्रॉम हियर। कलंगुट बीच पे आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो आगे तक देखते रहिएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है टूरिस्ट के लिए। तो अगर आप आगे गोवा आने का प्लान कर रहे हैं और आप बीच शैक्स का स्पेशली वेट कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो मैं बीच पूरा कवर करूंगी और यहाँ पे क्या न्यू डेवलपमेंट है वो इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे रेड फ्लैग ऑल दो अभी भी लगा हुआ है, और बारिश का जैसा मौसम हो गया है, सूरज हल्का सा दिखाई दे रहा है, बट लोग पानी में इंजॉय कर रहे हैं। सो दिस इज़ गुड न्यूज़ फ्रॉम कलंगुट बीच। तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, अगर इस साइड पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं इस वक्त बीच पे, जो कि सितंबर मंथ में अपना गोवा ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक जो मेरी लास्ट मंथ की वीडियो थी उसमें बीचेस पे जाना अलाउड नहीं था, पानी के अंदर जाना अलाउड नहीं था, बैरिकेडिंग की हुई थी। बट अब क्योंकि बारिश ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है तो लोगों को इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा है पानी में जाने से, लोग अंदर जा पा रहे हैं। वहाँ पे आगे मैं अभी आपको लेके चलूँगी जहाँ पे लोग बिल्कुल पानी के अंदर हैं, पानी में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे रेड फ्लैग है, तो बीच पे पूरे बीच पे जगह जगह पे रेड फ्लैग्स को लगे हुए हैं जो कि खतरा इंडिकेट करता है। वेरी क्लियर वाटर, पानी बहुत साफ दिख रहा है। यहाँ पे ये पेड़ फोटोग्राफी हो रही है, तो अगर आप कलंगुट बीच पे आते हैं तो आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटो वाले भैया मिलेंगे आपको, बहुत सारे ऐसे वाइट एंड रेड कॉस्ट्यूम में आपको फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे जो कि आपको पोजेस बताएंगे, आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। और जैसे ही आप कलंगुट बीच से घूम के निकलेंगे आप इनसे प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर अपनी फ़ोटोज़ की सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे शैक कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो सितंबर मंथ अभी पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ है और यहाँ पे ये शैक का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। तो पूरे बीचेस पे, इस पूरे कलंगुट बीच पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पूरे शैक्स बनना शुरू हो गए हैं। आगे भी अगर देखेंगे तो फुल शैक कंस्ट्रक्शन हो चुका है।
तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल टूरिस्ट जो कि आगे अक्टूबर मंथ में या सितंबर एंड में आने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो इस साइड पे ये सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है। ऑल दो यहाँ पे अभी कलंगुट बीच पे बीच बेड्स नहीं लगे हैं, बट अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ऐसा कुछ सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। नाइट में भी कैंडल लाइट डिनर का सेटअप रहता है, तो आप आराम से बैठ करके अपना फूड यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो अभी थोड़े टाइम में मे बी अक्टूबर मंथ से, अक्टूबर फर्स्ट वीक से बीच बेड्स भी लग जाएंगे बीच पे। अभी इस वक्त बीचेस पे शैक्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, बट बीच बेड्स अभी भी नहीं लगे हैं। बट अमेजिंग सिटिंग अरेंजमेंट रहता है यहाँ पे, मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहता है जहाँ पे आप बैठ करके अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये शैक्स का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू हो चुका है। इसी तरह से अगर आप आगे भी देखेंगे तो इस पूरी लाइन में शैक्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। तो आगे तक जितने भी शैक्स होते हैं कलंगुट बीच पे, उन सभी का कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। अराउंड 15 डेज लगते हैं इनको पूरा अरेंजमेंट करने में, ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में। तो अक्टूबर फर्स्ट सेकेंड वीक तक ये पूरे शैक्स कम्प्लीटली फंक्शनल होंगे। तो आप अगर अक्टूबर मंथ में अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको शैक्स यहाँ पे फंक्शनल मिलेंगे। कलंगुट बीच पे इस वक्त शैक्स का कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो गया है, बट बीच वाटर स्पोर्ट्स अभी भी शुरू नहीं हुए हैं। और अगर आपको गोवा में बीच वाटर स्पोर्ट्स अभी इंजॉय करना है, आप गोवा ट्रिप पे हैं और आपको बीच वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय करना है, तो मालवन में आपके लिए एक ऑप्शन है। मालवन में बीच वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी सफ़र ट्रैवल का, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी आपको उसका नंबर दिख जाएगा। आप वहाँ से अपना पैकेज बुक करके मालवन में सी वाटर स्पोर्ट्स या बीच वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय कर सकते हैं, जब तक कि गोवा में स्टार्ट नहीं होते। मे बी नेक्स्ट मंथ से, अक्टूबर मंथ से गोवा में भी बीच वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो जाएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स कि यहाँ पे परमिशन कब तक मिल पाती है और बारिश की क्या सिचुएशन रहती है, क्योंकि अगर बारिश होगी तो समुंदर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती कि उसमें वाटर स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं। तो बारिश के ऊपर डिपेंड करेगा और आगे जैसे परमिशन मिलेगी वैसे यहाँ पे भी गोवा में भी बीच वाटर स्पोर्ट्स स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कलंगुट बीच पे अभी भी इस वक्त ये वाली कॉशन की टेप लगी हुई है, बट अब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा सख्त नहीं है। तो लोग अगर आ भी रहे हैं तो फिर वो इस जो ये टेप है उसके आगे जा पा रहे हैं, तो उन लोगों को इतना मना नहीं किया जा रहा है यहाँ पे आगे जाने से। अब ये थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस हटा दी गई है और लोग आगे बीच तक जा पा रहे हैं। और वहाँ पे आगे की तरफ तो लोग पानी के अंदर हैं, तो मैं वहाँ पे जाकर के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे पानी में आपको इतना अंदर तक जाना अलाउड नहीं है, बट आप थोड़ा बहुत तो पानी में जा सकते हैं। बहुत अंदर तक आप जा कर के बिल्कुल फ्रीली पानी के अंदर मज़े नहीं कर सकते, उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इट्स रिस्की टू गो इनसाइड दी वाटर। अभी भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बारिश जैसा मौसम हो रखा है, तो सुबह में हल्की फुल्की बारिश हुई है आज। पानी में जाना अलाउ है, आप जा सकते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं पानी में, बट बहुत अंदर तक आप नहीं जा सकते। दूर से एक बार फिर आपको यहाँ कलंगुट बीच से ये क्राउड की सिचुएशन दिखा देती हूँ, तो कितने। एंड अगर आपके गोवा ट्रिप को लेकर के कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूँगी। मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ और अभी फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है गोवा लव करके, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी छोटी छोटी लेटेस्ट क्विक अपडेट्स हैं उसके लिए। सो दिस इज इट, आई होप ये न्यूज़ आपके लिए खुशखबरी होगी अगर आप आगे गोवा आने वाले हैं। और ऐसी ही बिग बिग ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए गोवा से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हर बार की तरह आप मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा।